दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस का रैली इस समय जो है प्रारंभ हो रहा है। ये मैं कांसाबेल में हूँ इस समय, और कांसाबेल भितल स्कूल से इस समय रैली निकल रही है, और ये रैली आगे बढ़ते बढ़ते कांसाबेल बस स्टैंड जाएगी और कई चौकों में रुकेगी, और इस तरह से रैली जो है जबरदस्त इस समय होने वाला है। मैं आपको रैली का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी लंबी जो है लाइन लगी हुई है, और ये पूरी लाइन अभी निकलेगी रैली में और आगे बढ़ेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त इस बार जो है हमारा आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी नई बातों को हम लोग सीखने पाएंगे, और इस समय मैं आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए ये पारंपरिक आदिवासी बाजा है, और ये लोग बहुत ही सुंदर ढंग से जो है बजाते हैं। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी पहचान है आदिवासियों का। जी हाँ दोस्तों, विशेष ड्रेस भी लोग हैं जिसमें बाजा बजाते हैं, और बहुत ही सुंदर जो है इनका बाजा होता है। तो आप लगे रहिए साथ, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जोरदार नारों के साथ इस समय जो है चल रहा है। ये बीच में जो है आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में एक ब्राह्मण लड़की भी है जो आदिवासियों के लिए नारा लगाती है। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विकासखंड है यहाँ जनरल आदिवासी और हर एक प्रकार के जातियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, इसलिए ब्राह्मण लड़की भी हमारे बीच में आकर के नारा लगा रही है, बहुत ही सुंदर नारा, और सहयोग दे रही है। और इस तरह से जो है हमारा रैली प्रारंभ हो चुका है। अब धीरे धीरे हमारा रैली आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं समय आगे बढ़े, हमारा रैली धीरे धीरे आगे की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रैली, खूबसूरत बाजा के साथ में दोस्तों बहुत ही बढ़िया रैली, खूबसूरत रैली, खूबसूरत ड्रेस के साथ में आदिवासी ड्रेस कोड। जी हाँ दोस्तों, गले में आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर पहने हुए हैं उन लोग, गले का हार देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, और पानी गिर रहा है लेकिन भी भीगते हुए लोग जो है रैली में जा रहे हैं। दोस्तों ये विशाल रैली इस बात का गवाह है कि आदिवासियों का इतिहास बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास बदलने वाला है बहुत जल्द, और ये शुरू हो भी चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चूँकि मैं भी एक आदिवासी हूँ, इसलिए आदिवासियों के एक बहुत बड़ा ये महान त्यौहार इसे कहा जा सकता है। और हमारे विकास खंड में एक गांव है सुजीवार। जी हाँ दोस्तों, वहाँ दिन को तो कांसाबेल में लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन गांव में वो शाम को बहुत ही ज़ोरदार ढंग से मनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे और त्यौहार को मनाते हैं, ठीक उसी तरह से सुजीवार गांव में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अतः सभी गांव के लोगों को ये प्रेरणा लेना चाहिए सुजीवार से, और अपने अपने गांव में यहां से जाने के बाद वहां प्रोग्राम करना चाहिए, आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, ताकि जो लोग नहीं आए हैं उन लोग भी यहाँ के बारे में जानने पाएँ, इस त्यौहार के महत्व के बारे में जानने पाएँ।
दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रैली, समय आप देख सकते हैं लगभग आदिवासी ड्रेस में यहाँ पर सभी आदिवासी हमारे विकास खंड के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से रैली समय निकाला जा रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब होने के कारण उपस्थिति जरूर थोड़ा सा कमी है, लेकिन फिर भी इसे हम कम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इधर भी काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग हैं जो रैली में इस समय निकल रहे हैं, नारा लगाते हुए और दोस्तों बाजा बजाते हुए सब कुछ करते हुए, तो जिस समय रैली बहुत ही सुंदर ढंग से निकाला जा रहा है। बहुत से लोग मोटरसाइकिल में निकल रहे हैं और अधिकांश जो है महिलाएं लगभग पैदल ही हैं, रैली निकाल रही है। पानी बहुत ज़ोर से गिरा लेकिन पानी किसी को डरा नहीं पाया, पानी को किसी ने नहीं डरा और इस कार्यक्रम में शामिल हुए और रैली में इस समय निकल रहे हैं। मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं भी पानी में भीग गया था, लेकिन अब फिर से सूरज जब निकलने लगा है तो हमारे कपड़े फिर से सूखेंगे। चाहे जितना पानी बरसे ये रैली निकलेगी, चाहे कितनों बार भीगे और कितनों बार सूखे, ये रैली रुकने वाली नहीं है दोस्तों। जोरदार नारों के साथ रैली आगे निकलती हुई दोस्तों इस समय पहुंच चुके हैं अंबेडकर चौक। जी हां, कांसाबेल का मेन चौक, जहां पर इस समय आप देख सकते हैं खूबसूरत बाजा के साथ यहां लोग एकत्रित हुए हैं, तमाम हमारे आदिवासी भाइयों के संघ के अधिकारी सब यहां पर मौजूद हैं और इस समय डॉक्टर अंबेडकर जी का पूजा अर्चना किया जा रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर ही हैं जो हमारे आदिवासियों को एक अधिकार दिया और जिस अधिकार के चलते अब हम थोड़ा बहुत तरक्की कर पाए हैं, शिक्षा हमें थोड़ा बहुत मिल पाई है, लेकिन अभी भी मात्र 1% लोग ही, लगभग शायद 1% से कम होंगे जो आदिवासी विकास की ओर आगे बढ़े हैं। लेकिन और इसका कारण यही है डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आदिवासियों के लिए हक दिया, अधिकार दिया, जिस अधिकार को लेकर के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ लगभग पूजा का समय अब समाप्त हो गया, अब रैली धीरे से अब आगे बढ़ने वाली है। यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ब्राह्मण परिवार है और ब्राह्मण लड़के लोग इस समय आदिवासियों का फूल वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक अद्भुत नज़ारा है कि आदिवासियों का स्वागत ब्राह्मण परिवार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से और भी लोग मिले जो आदिवासियों का स्वागत बीच बीच में किया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कांसाबेल में ऐसी भेदभाव वाली बात कहीं नहीं है। जैसे हम बाहर सुनते हैं कि आदिवासियों के साथ अन्य जाति के लोग अत्याचार करते हैं, ब्राह्मण लोग अत्याचार करते हैं, लेकिन आपने देखा यहाँ पर फूल बरसाते हुए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण परिवार आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस पर उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह रैली बहुत ही खूबसूरत है। विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही सुंदर दिन है, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और एकता बनाए रखने के लिए यह त्यौहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आप इस रैली में, इस त्यौहार में जो लोग भी नहीं आए हैं वो ज़रूर आइए। इस वर्ष नहीं आ पाए तो अगले वर्ष आप ज़रूर शामिल होइए। बहुत ही खूबसूरत रैली है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर त्यौहार है आदिवासियों का। और रैली जब समाप्त होगी, कन्या हाई स्कूल जब पहुंचेगी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रंगारंग कार्यक्रम होगा। इसमें कुछ तो स्टूडेंट्स भी कार्यक्रम देंगे और कुछ बड़े लोग भी देंगे, लेकिन कार्यक्रम यहाँ ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर एक आदिवासी भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंचने पाए और पूरा प्रोग्राम को देखने पाए, ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले और आने वाले वर्षों में वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हों।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस रैली में कौन कौन लोग शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रैली में ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, दर्जनों आदिवासी वर्ग के लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर के एक साथ रैली समय निकाले हुए हैं दोस्तों। और इस लाइनों में आप देखेंगे यहाँ के कंवर आदिवासी, यहाँ के गोड़ आदिवासी, यहाँ के उड़ाव आदिवासी, यहाँ के भुइयार आदिवासी, यहाँ के नागवंशी आदिवासी, यहाँ के कोरवा आदिवासी। इस तरह से दोस्तों हमारे क्षेत्र के जितने भी आदिवासी हैं, सारे आदिवासी महिला पुरुष निकलकर मैदान में आ गए हैं। रात के इस बड़े त्यौहार को एक साथ मनाने के लिए जुट गए हैं और इस रंबी रैली में शामिल हैं दोस्तों। और यह रैली बहुत ही खूबसूरत ढंग से निकल रही है दोस्तों। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं, इस रैली में मैंने दिखाया था एक ब्राह्मण लड़की, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है प्रतिमा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की ने जो काम किया है आदिवासियों के लिए, यहाँ कोई भी आदिवासी उस तरह का काम नहीं कर पाया है। आदिवासियों से उसे प्रेम है, इसलिए हर बार तो आदिवासियों की इस महारैली में हर साल वो शामिल होती है और जोरदार नारा लगाती है। जी हाँ दोस्तों, 100 से भी अधिक आदिवासी लड़कियाँ जो दिल्ली में फंसी हुई थी, उन्हें छुड़ा करके लाने वाली प्रतिमा शर्मा है। और उनके जो हेड हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जीवन धरना के जो संचालन करती हैं सिस्टर एनी, जी हाँ, उसके देख रेख में ये काम करती है आदिवासियों के लिए। और इस तरह से आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए वो काम करती है। अभी भी आदिवासियों के लिए वो काम कर रही है। वो आदिवासी बच्चों को तो ही केवल नहीं, परंतु और भी जो भी लोग उनके यहाँ आते हैं, उन्हें सिलाई सिखाया जाता है। और इस तरह से आदिवासियों के हितों के लिए लंबे समय से काम करने वाली सिस्टर एनी और प्रतिमा शर्मा मिल करके आदिवासियों के हितों के लिए यहाँ काम करते हैं। आज भी दोनों इस रैली में मौजूद हैं और दोनों ही रैली में नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस समय मंच पर पहुँच चुके हैं और इस समय मंच में स्वागत किया जा रहा है अतिथियों का। मुख्य अतिथियों का स्वागत इस समय माल्यार्पण के द्वारा किया जा रहा है और यह स्वागत का कार्यक्रम और जब समाप्त होगा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मंच पर हमारे आदिवासी मेहमान हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। दोस्तों स्वागत के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जोरदार डांस किया जा रहा है। दोस्तों डांस का मैं एक एक छलक थोड़ा थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। ये डांस भी एक अलग तरह का डांस है दोस्तों, इसे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डांस। तो दोस्तों हर डांस का झलक आप देखते जाइए। दोस्तों आदिवासी अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और उसी कड़ी में दोस्तों अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी अपनी संस्कृति का वो झलक दिखला रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र छूट चुका था दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ आज आप देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में यहाँ पर यह डांस किया जा रहा है। दोस्तों अभी वीडियो इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो शायद
कभी आपने नहीं देखा होगा। एक जोरदार यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी गाना गाए जा रहे हैं, सभी गानों में प्रकृति का वर्णन है। कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं झरने हैं, कहीं पर्वत हैं, तो कहीं शिक्षा की बातें बच्चों के लिए, और इस तरह से नशे से दूर रहने की शिक्षा भी गाने के द्वारा दी जा रही है। आदिवासियों में जागरूकता लाने के लिए बहुत ही सुंदर गाना, जो बहुत पुराना गाना है, जो पूर्वज लोग इस गाने को गाया करते थे, उस गाने को यहाँ पर गाया जा रहा है और वाद्य यंत्रों से उस गाने को सजाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, दुर्लभ नज़ारा अब बिल्कुल भी नज़दीक। दोस्तों यही है दुर्लभ नज़ारा। मैंने इसे दुर्लभ नज़ारा मैंने क्यों कहा? जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने इसे कहा क्योंकि वास्तव में है ये दुर्लभ नज़ारा। जी हाँ, यहाँ पर दर्जनों भर जो है आदिवासी जाति के लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कभी भी एक साथ इकट्ठे होकर किस तरह से नाच नहीं किए। वो दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर नाचने वाले हर एक आदिवासी है, कंवर भी है, गोंड भी है, उराव भी है, कोरवा भी है दोस्तों, भुइहर भी समाज के लोग हैं, और कई और आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस ने एक खुशी दिया है, एक होने के लिए, एकता बनाने के लिए एक अवसर मिला है, आदिवासियों को एकजुट होने का अवसर मिला है। दोस्तों आगे और दुर्लभ दूसरी बातों को मैं दोस्तों, जैसे ही शाम हुआ हजारों आदिवासी लड़के लड़कियां, महिला बुजुर्ग सब इकट्ठे हो गए और एक साथ नाचने लगे। दोस्तों ये है दुर्लभ नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, एक दुर्लभ नज़ारा और होगा। जी हाँ दोस्तों, सारे जाति के लोग एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस ने एक तोहफा दिया आदिवासियों को कि आप सब एक हो जाओ और जुट जाओ और अपने तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते जाओ। इस तरह से दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। दोस्तों अगर आपने अभी मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। लेकिन देखने वालों को जरूर अच्छा इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जो विश्व आदिवासी दिवस का ही वीडियो होगा, जो बहुत ही सुंदर होगा। दोस्तों तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।